Hi guys, what's up? This is my Shraddha Kapoor look from Haseena Parker. आपने देखा? पूरा मुंह सजाया हुआ है. She calls it acting. I call it the Arjun Rampal expression. कुछ समझ में नहीं आया. इन्होंने तो अपना मुंह सजाया, पर मैंने मुंह बनाया. ऐसी भी कोई पिक्चर बनाता है? लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने कबूल की. आइडिया काफी अच्छा था. कोर्टरूम ड्रामा, इंटेंसिटी, कहानी फ्लैशबैक में क्यूरियोसिटी. पर तभी काम करता ना अगर सुरेश नायर ने कहानी लिखी होती और अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट की होती. कम से कम एक दशक से अपने कराची में बसे भाई के अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलाने वाली हसीना पारकर पर आखिरकार केस दायर. मुंबई में भाई तो बहुत है, परापा सिर्फ एक. Taunted the prosecution lawyer. In fact, that's the narrative tool. A courtroom drama, जहाँ पे prosecution lawyer and defense lawyer आपस में एक दूसरे पे ऐसे ताने मारे होते, जैसे सास बहु का सीरियल चल रहा हो. Your Honor, मेरी क्लाइंट को कोर्ट में सिर्फ इसलिए घसीटा गया है क्योंकि उनके भाई इस देश में most wanted है, बस. और उन्हीं का नाम लेकर और उन्हीं का बिजनेस चलाकर तो extortion करती हैं. पर यू नो एक सीन तो ऐसा था जो आपने देखा ही नहीं होगा. दाऊद इब्राहिम को गुस्सा आता है और वो इतनी जोर से चीखा कि उसके घर के ऊपर के बादल स्लो मोशन में साइड में हो गए. सच्चे आपने मेरे भाई के बारे में पढ़ा है? मैंने मेरे भाई को पढ़ा है. अब दाऊद जी से तो मुंबई हमारी है, उसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं. हसीना पारकर कौन? दाऊद इब्राहिम की सगी बहन. कई लोगों ने बोला कि जब दाऊद जी बड़े डॉन बन गए और इंडिया छोड़ के चले गए तो उनका सारा इलीगल बिजनेस इनकी बहन ने ही संभाला. एक्सटॉर्शन, मर्डर, किलिंग्स, वाज शी रियली गिल्टी या बस भाई के चक्कर में फंस गई? लास्ट का इल्जाम है तुम्हारे भाई पर, कोई देशभक्ति के काम का नहीं. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ श्रद्धा कपूर. I like her. I have nothing personal against her. और मुझे लगता है कि इस फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि यार मुझे तो नेशनल अवार्ड मिलेगा. और आजकल जो हाल है शायद मिल भी जाए. और जो ब्रॉन्जर की शीशी खाली करी, लॉलीपॉप मुंह में ठूसे, एक डायलॉग हमें समझ नहीं आया, आधा एक्सप्रेशन नहीं दिया, मतलब क्या बताएं आपको, बड़ी दिक्कत. और उनके कैरेक्टर में ना कोई ग्राफ भी नहीं. बचपन में एज द यंग हसीना शी स्वीट, इनोसेंट, प्यारी सी. अगले सीन में किसी को जोर का चाटा कैसे मार सकती है? एक हफ्ते से उनको वक्त पर खाना मिलता है या नहीं, मेरे बच्चे सही सलामत स्कूल पहुंचते हैं या नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी गलती ना होने के बावजूद मैं यहाँ के चक्कर काट रही हूँ. अंकुर भाटिया श्रद्धा कपूर के हस्बैंड के रोल में है और चार सीन के बाद उनके नाम की भी सुपारी आई जाती है. पूरी फिल्म देखने के बाद हसीना पारकर कौन है, अच्छी है या बुरी, ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है. सो आई एम गोइंग टू गिव इट 1 point out of 5. मैं तो वार्निंग दे चुकी हूँ, बाकी आपकी सुरक्षा आपके हाथ. Don't forget to like the video, share, subscribe और अच्छे वाले comments भी दे दो.